चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, 3 √7 / √5 + का √2 माइनस का 5 √5 / √2 प्लस का √7 प्लस में 2 √2 / √7 + √5। एग्जामिनर ने कहा इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग लॉजिक लगा के ट्राई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई यानी सॉल्व करेंगे। आइए कैसे देखिए जरा, अगर आपको नीचे जो वैल्यू दे रखी है रूट में, अगर इन 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 रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है अगर उन दोनों का मैं डिफरेंस करूं, और डिफरेंस मेरे पास में यहाँ देखिए 3 आ रहा है और ऊपर भी 3 है, तो आप इसे डायरेक्ट काट दीजिए। सॉल्व करने के बाद ये 3 आपस में लास्ट में एंड में कटेगा ही कटेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो 5 आ रहा है, तो इस 5 से ये 5 कटेगा ही कटेगा लास्ट में। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, तो 2 कटेगा कटेगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इनके नीचे का डिफरेंस देखेंगे, अगर डिफरेंस ऊपर दिखाई दे रहा है तो पूरा पूरा कट जाएगा। फिर क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ प्लस का निशान था तो माइनस का निशान लगा के यहाँ पे लगा दीजिए आप 14। यहाँ पर देखिए 2 - 7 है, इसको अंडर रूट में 7 और प्लस का अंडर रूट में 2 लिख सकता हूँ, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, तो 5 कट जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 35 आएगा, बट ये माइनस का निशान है तो माइनस का अंडर रूट में 35 ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। ये ऊपर जाके माइनस में मल्टीप्लाई होता तो इसका मतलब माइनस अंडर रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और ये मेरे पास में प्लस का अंडर रूट में आपका 10 हो जाएगा आपका। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस दोनों का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस 2 आ रहा, तो ये वैल्यू कट जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास प्लस का आपका 14 आएगा अंडर रूट में। इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का निशान था तो माइनस का निशान ले लेंगे, ये अंडर रूट में 10 आ जाएगा आपका। अब देखिए ये प्लस का 35 है, ये माइनस का 35 है, ये 14 है, ये प्लस का 14 है, ये 10 है, ये 10 है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी 0 आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई कैसे किया, सॉल्व किया जरा एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने इस वैल्यू को इससे रैशनलाइज कर दिया, यानी कि अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 5 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √2 अपोन में अंडर रूट में 7 प्लस का अंडर रूट में 5 इंटू में आपका अंडर रूट में 7 माइनस का अंडर रूट में 5 और ऊपर था आपका अंडर रूट में 7 माइनस का अंडर रूट में 5 से आप उसको मल्टीप्लाई किया होगा। तो देखिए नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 √2 और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट का 7 माइनस का अंडर रूट के अंदर आपका 5 और अपोन में ए माइनस का भी ए प्लस का भी, यानी कि इसका 7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 माइनस का आपका कितना हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2 √2 और अंडर रूट में 7 माइनस का अंडर रूट में 5 बाय में कितना हो जाएगा आपका ये 2। तो इस 2 से 2 वैल्यू कट जाएगी, तो अंडर रूट में 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना का 14 और अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में 10। यानी कि जैसे मैंने इसको सॉल्व किया बाकी को भी मैं उसी तरह से सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने में मुझे पता लगा कि देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना था आपका 2, तो ये वाली वैल्यू कट रही, तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो इससे कटेगा, इनके बीच का डिफरेंस है तो वो पूरा पूरा इससे कट जाएगा। तो कुछ नहीं करना, निशान चेंज करके आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसका निशान चेंज करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसका निशान चेंज करके इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट जब रैशनलाइज करेंगे तो थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ये आपका 2 + √7 है, इसको 7 को आगे ले लीजिए √7 को, और प्लस का √2 को पीछे लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव वाली वैल्यू जो है आपको सबको पॉजिटिव करना पड़ेगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।